हेलो गाइस, आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये भी अपने पूर्ववर्ती या पहले के टॉपिक्स की तरह बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते आप। इसके पहले आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा, औद्योगिक क्रांति पढ़ा और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। दुनिया के कई सारे देशों में ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, ब्रिटेन की कॉलोनीज रहीं और सबसे ताकतवर देश था ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो आज हम उसी ताकतवर देश की रिवॉल्यूशन, उस देश की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आप जैसा कि आप जानते होंगे कि इंग्लैंड का अपना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटिश या ब्रिटेन या इंग्लैंड संसदीय परंपराओं, उन्हीं रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग चलता रहा है। पहले वहां पर राजा का शासन हुआ करता था और यही राजा बहुत ज्यादा डिक्टेटर, तानाशाह हो जाता था, मनमानी करता था, निरंकुश हो जाता था। प्रजा और जनता में कम्युनिकेशन बनी नहीं पाता था। कम्युनिकेशन कौन बनाता है? संसद। तो कई वर्षों तक संसद और राजा के बीच में कई सारे मतभेद रहे, कई सारे आपस में विवाद रहे, डिस्प्यूट हुआ, जिसके कारण इंग्लैंड जिस शासन को डिजर्व करता था, जिसका वो अधिकारी था, उस इंग्लैंड के लोगों को वो अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। और इसी के खिलाफ धीरे 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 जो संसद के सपोर्टर थे वो राजा की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। और एक दिन क्या हुआ कि वही होगा जो मंजूरे खुदा हुआ, इंग्लैंड का राजा गद्दी छोड़कर भाग गया। भाई देख लिया कि इंग्लैंड के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपने राजा को लेकर, अपने राजा के निरंकुश शासन को लेकर, उस राजा की नीतियों को लेकर। और अगर मैं इन गुस्से वाले लोगों का शिकार हो गया तो जनता मेरा ना चटनी बना देगी, चटनी जानते होंगे आप। तो इसीलिए मौका देखकर बंदे ने चौका मार दिया और गद्दी उद्दी छोड़कर भाग जाता है। और गद्दी या सिंहासन किसको हैंड ओवर कर देता है? जनता को। इस तरीके से ना कोई बड़ा गदर हुआ, ना कोई बड़ा विद्रोह हुआ, जैसे दूसरे देशों में बहुत बड़ा गदर हुआ, विद्रोह हुआ, क्रांतियां हुई, कई लोग मारे गए, ऐसा कुछ खास इंग्लैंड में नहीं हुआ, जिसके कारण इंग्लैंड की क्रांति को हम गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो कोई रक्त का एक कतरा भी, रक्त की एक बूंद भी, ब्लड की एक बूंद भी न गिरी किसी की और देश में बदलाव हो गया, राजा ने गद्दी छोड़ दी। हाँ, जब रिपब्लिक क्रॉमवेल के नेतृत्व में रिपब्लिक ब्रिटेन बनता है और ब्रिटेन का अपना गणतंत्र लागू होता है, तो फिर से राजा का पद गायब हो जाता है। लेकिन 11 साल के बाद ही फिर से स्टुअर्ट डायनेस्टी, स्टुअर्ट वंश, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, का अधिकार हो जाता है और दे स्टार्टेड रूलिंग अगेन इन इंग्लैंड। और इसी स्टुअर्ट वंश से क्रांति के द्वारा छुटकारा पाती है ब्रिटिश जनता। और आज भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंग्लैंड का संविधान है नहीं कोई, लेकिन जो कानून है इंग्लैंड का वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बनाती है, वहाँ की कैबिनेट ही पास करती है। राजा का पद वहाँ पर है, ब्रिटेन में आज भी राजा का पद है, लेकिन वो राजा या रानी नॉमिनल होती हैं, नाम मात्र की होती हैं, वास्तविक शक्तियाँ कैबिनेट या पार्लियामेंट के अंदर समाहित होती हैं। हुआ क्लियर? जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति ना होता है, वो नॉमिनल होता है और ऑलमोस्ट पावर
प्राइम मिनिस्टर बनाता है, या यूं कहें कि संसद या कैबिनेट हमारे देश का कानून बनाती है, सेम उसी तरीके से ब्रिटिश कानून वहाँ की पार्लियामेंट वहाँ की कैबिनेट बनाती है। राजा है, नाम मात्र का है, वो पावर जरा भी नहीं है जो क्रांति से पूर्व राजा के पास पावर थी। तो आज हम ब्रिटिश रिवॉल्यूशन से संबंधित सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के जरिए पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा करे तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप लोग पूरा वीडियो देख भी लेते हो, लाइक करते ही नहीं हो, गलत बात है ये। इससे ना डिमोलाइज हो जाता है टीचर, तो टीचर को आप मोटिवेट करें ना, अप्रिसिएट करें, तभी तो लगातार कंटेंट अच्छे अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। तो मुझसे पढ़िए या दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़िए, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना चाहिए, कमेंट वगैरह कर दो, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ लो, है ना। हम जैसा टीचर होगा तो ज़रूर आंसर देगा। तो देख पा रहे होंगे बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा है ब्रिटिश रिवॉल्यूशन से संबंधित, कि ब्रिटिश राजा जॉन के द्वारा मैग्ना कार्टा किस वर्ष स्वीकार किया गया। तो मैग्ना कार्टा वाज अडॉप्टेड बाई ब्रिटिश किंग जॉन इन व्हिच ईयर, किस वर्ष स्वीकार किया गया। ऑप्शन क्या है, 1215, 1216, 1217 और 1218। तो क्या होगा, 1215, 1215 में जो ब्रिटेन के सामंत लोग थे उन्होंने एक अधिकार पत्र सौंपा, अपनी मांग सौंपी राजा के सामने, और तत्कालीन राजा जॉन ने उस मजबूरन दबाव बस उस मांग को स्वीकार कर लिया, और इस तरीके से जनता, ब्रिटिश जनता को उसके अधिकार मिलने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे यहीं से फिर पूरे वर्ल्ड में जो जागरूक जनता थी, जो अवेयर कंट्रीज थी, जो अवेयर लोग थे, वहां तक ये मैसेज जाना शुरू होगा, और फिर लगभग हर देश में निरंकुश शासन के खिलाफ जनता सड़कों पर आने लगेगी, और वो भी इस टाइप के मैग्ना कार्टा की मांग करने लगेगी। तो 1215 में मैग्ना कार्टा का पास होना वर्ल्ड हिस्ट्री में जनता के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, हिस्टोरिकल इंसिडेंट था। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे घुमाकर कि मैग्ना कार्टा घटना कब हुई, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, 1215। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, ट्यूडर वंश का अंतिम शासक या शासिका कौन थी। तो मोस्टली दो वंश बड़े इंपॉर्टेंट हैं ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ट्यूडर वंश है और एक है स्टुअर्ट। तो याद रखना, ट्यूडर डायनेस्टी का अंतिम शासक या शासिका कौन था या थी। तो ऑप्शन क्या है, जेम्स फर्स्ट, जेम्स सेकेंड, एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, एलिजाबेथ सेकेंड, एलिजाबेथ द्वितीय। याद रखना है एलिजाबेथ द्वितीय जो थी वो ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, याद रखना, आपको भूलना नहीं, वही एलिजाबेथ जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी इंडिया में व्यापार करने के लिए, और 1600 ईस्वी में 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ जाती है, है ना। तो अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय, इस्टेब्लिशमेंट टाइम के समय वहाँ का राजा या रानी कौन था, तब एलिजाबेथ सेकेंड थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब ये ट्यूडर वंश हटेगा ना, तो ट्यूडर वंश के बाद स्टुअर्ट डायनेस्टी का रूल हो जाता है, और जो गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति हुई ब्रिटेन की, उस समय स्टुअर्ट डायनेस्टी ही रूल कर रही थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का संबंध किस रिलीजन, किस धर्म से है। तो दो टाइप्स आपको पढ़ना है, आपने सुना भी होगा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, है ना। तो इस धर्म का संबंध इस्लाम से है, ईसाई से है, या यहूदी, पारसी, किस धर्म से है। चार ऑप्शन है, तो जो लोग ईसाई होंगे बच्चे वो जानते होंगे कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई धर्म से संबंधित है। जैसे बौद्ध में हीनयान महायान नहीं होता है, जैसे जैनियों में श्वेतांबर दिगंबर होता है ना, जैसे इस्लाम में शिया सुन्नी होता है, ऐसे ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो संप्रदाय हैं, दो पार्ट हैं किसके, ईसाई धर्म के। तो इन दो धर्मों में
आपस में ही डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा और वो धीरे 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 इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा, है ना, और एक 30 वर्षीय युद्ध का रूप ले लेगा, आगे बताऊंगा। अगला ऑप्शन देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ईसाई। तो अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस राजा को 1649 में 1649 में फांसी दी गई या फांसी पर चढ़ने वाला ब्रिटिश राजा कौन था? ऑप्शन विलियम फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स सेकेंड, हेनरी सेकेंड। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तुरंत लगा देना है चार्ल्स फर्स्ट। एक्चुअली क्या था ना, अभी आगे मैं आपको प्रश्न में समझाऊंगा बताऊंगा, एक वर्ग था जो ब्रिटेन में राजा के फेवर में था और एक वर्ग था जो संसद पार्लियामेंट के फेवर में था। तो जो जनरली पार्लियामेंट के फेवर में थे वो लोग तो प्रोटेस्टेंट थे, और जो मोस्टली राजा के फेवर में थे वो थे कैथोलिक। अभी इस टर्नोलॉजी को दूसरे भी नाम से जाना जाएगा, आगे बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट कैथोलिक किसके फेवर में थे, राजा के फेवर में थे, और चार्ल्स फर्स्ट ने प्रोटेस्टेंट के खिलाफ जाकर एक राजकुमार कैथोलिक राजकुमारी से विवाह कर लिया, शादी कर ली, और प्रोटेस्टेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्शन लिया, पुलिस कार्रवाई की, जिससे कहीं ना कहीं राजा और प्रोटेस्टेंट के खिलाफ और ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप बनता चला जाएगा और ज़्यादा मतभेद बनते चले जाएंगे, और यही आगे मतभेद जो होगा वो गौरवपूर्ण क्रांति में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो क्रांति के दौरान स्टुअर्ट डायनेस्टी का ही मतलब शासन हो जाता है और उसी के राजा हुआ करते थे। तो ये चारों प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रश्न करवाता हूँ। अगले क्वेश्चन का जो सीरीज है, अगले प्रश्नों की जो सीरीज है वो बोर्ड पर लिखी हुई है, देख पा रहे होंगे आप, और ये सब सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ब्रिटिश रिवॉल्यूशन के से संबंधित, इंग्लैंड की क्रांति से संबंधित, तो इनको हमें इग्नोर करने ही नहीं है। और मैंने आपको डे वन से ही कहा था कि नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ये सारे क्वेश्चंस तैयार करते हुए चले चलिए, और इससे इसके अतिरिक्त आपको ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और पूरे जो क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित आपके एग्जाम में आएंगे तो लगभग यहीं से आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है और वादा रहेगा। तो बोर्ड पर देखिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पहला प्रश्न क्या है, आप यूं कहें कि पांचवा प्रश्न, ब्रिटिश गृह युद्ध के दौरान संसद के समर्थक कहलाते थे। तो जनरली अभी शुरू में मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वाला मामला, हाँ, तो कैथोलिक का थोड़ा ज़्यादा फेवर करता था ब्रिटिश राजा और प्रोटेस्टेंट के खिलाफ होता था, और ये भी समझना है, आगे ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि स्पेशली राजा के जो फॉलोअर्स थे, राजा के जो अनुयायी थे, उनकी बातों को मानने वाले क्या कहलाए, और जो संसद के अनुयायी थे जो राजा का शासन नहीं बल्कि निर्वाचित सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून का समर्थन करते थे, उनको क्या कहा गया। तो ऑप्शन क्या है कि ब्रिटिश गृह युद्ध के दौरान, गृह युद्ध मतलब कई वर्षों तक जो ब्रिटेन में आपस में युद्ध होते रहे, आपस में ही लोग उलझे रहे, और इसका फायदा लगातार राजा को मिलता रहा और एक निरंकुश शासन स्थापित हो जाता है ब्रिटेन में। तो गृह युद्ध के दौरान संसद के समर्थक कहलाते थे। ऑप्शन में क्या है, राउंड हेड्स, कैवेलियर, वॉरियर्स या वॉलंटियर्स। तो क्या सही रहेगा, राउंड हेड्स। राउंड हेड्स वर द फॉलोअर्स ऑफ पार्लियामेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटेन की संसद थी उसके जो समर्थक थे वो राउंड हेड्स कहा जाता था, जबकि कैवेलियर राजा के समर्थक को कहा जाता था, याद रखना है, राजा के समर्थक को कैवेलियर कहा जाता था। इन दोनों ऑप्शन का इससे कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। अगला प्रश्न, 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। तो याद रखना, छोटे से विवाद से शुरू हुआ था यह युद्ध, और धीरे 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 इसने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया।
जैसे गांव में ना कुछ बालकन में लड़ाई हो जाती है, बच्चों में छोटे छोटे लड़ाई हो जाती है और फिर मूड फुटउल हो जाता है बड़े बड़े लोगों में। हाँ, एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से हो जाता है, देखा होगा आपने, हमारे गांव में तो बहुत होता है। मतलब बच्चे आपस में लड़ते हैं और फिर उनके पेरेंट्स गार्जियन इतना सीरियस हो जाते हैं कि एक बच्चे को पाए पीट दिए, फिर दूसरे गार्जियन क्या करते हैं उसके बच्चे को पीट लेते हैं। धीरे 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 ये एक परिवार और गांव तक का रूप ले लेता है, गांव का स्वरूप ले लेता है, एक बड़ा स्वरूप ले लेता है। बच्चे वाला विवाद भी गांव में आपने देखा होगा, सुना होगा, है ना। इसीलिए बच्चों के विवाद को हम वहीं सीमित करते हैं, ज़्यादा सही है, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन बच्चे आपस में फिर खेलने लगेंगे, लेकिन दुश्मनी हम आपस में कर बैठेंगे, हाँ, अपने पड़ोसी से। तो ऐसे यहाँ पर हुआ और छोटा सा विवाद धीरे 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 इंटरनेशनल स्वरूप ले लेता है और ये विवाद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच शुरू होता है। तो चूंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में भी हैं, इसलिए इसका प्रभाव इंग्लैंड में भी पड़ा। कहाँ शुरू हुआ था? जर्मनी से हुआ था शुरू, आगे चल के ये जो ईसाई बाहुल्य देश थे वहाँ तक ये पहुँच जाता है। तो 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ऑप्शन 1608 to 38, फिर 1708 to 38, फिर 1618 से 48, 1718 से 48। तो क्या सही होगा? रट जाना, 1618 से लेकर 48 तक, 1618 to 1648। इस ड्यूरेशन में 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया। तो 18, 28, 38, 48, 30 साल हो गया ना, तो नोट कर लेना। आगे, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई? तो गौरवपूर्ण जो क्रांति है इसको हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट शुड बी नोटेड। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति, भी मैंने बताया ना, रक्तहीन मतलब कोई बड़ा विद्रोह हुआ ही नहीं और राजा ने मौका देखकर गद्दी छोड़ दी, या यूं कहें कि संसद के हवाले कर दी। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई? 85, 86, 87, 88। तो क्या लॉक कर दिया जाए? 1688, 1688 में, 1688 में रक्तहीन की क्रांति या इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इस दौरान ब्रिटिश राजा कौन था, ब्रिटिश शासक कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजा का नाम अगर पूछ ले तो याद रखना जेम्स 2, ये पूछा गया प्रश्न है। तो जेम्स 2 के दौरान गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति हुई, हाँ, नोट करना। अगला, फिर क्या होता है क्रांति के बाद ना, ब्रिटिश क्रांति के बाद फिर यहाँ पर पार्लियामेंट की मीटिंग्स होने लगती हैं। प्रतिवर्ष, अभी तक प्रतिवर्ष नहीं हो पा रही थी, या यूँ कहें कि सारे एक्टिव मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे थे और उनका कोई नियम कानून इम्प्लीमेंट लागू ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के सेशन प्रतिवर्ष होने लगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट, या यूं कहें कि वहां की कैबिनेट ने ब्रिटेन का कानून बनाना शुरू कर दिया। हाँ, राजा का पद रखा गया, लेकिन राजा का पद नाम मात्र का नॉमिनल रखा गया, वास्तविक शक्तियां ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास रख दी गई, या उसको सारे अधिकार मिल गए। तो अगला कानून क्या है, अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट कानून है ये, बिल ऑफ राइट्स किस वर्ष पारित किया गया? तो ये बिल ऑफ राइट्स जो था, जो संसद को कानून बनाने का अधिकार दे रहा था, जिसमें जनता ताकतवर हो जाती, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसमें जनता सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। सुना होगा आपने अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, हाँ, जनता ही केंद्र में होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट में, निर्वाचित सरकार में। तो बिल ऑफ राइट्स किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन 88, 89, 1690, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या सही हो जाएगा? 1689। तो ब्रिटिश क्रांति के नेक्स्ट ईयर ही, दूसरे वर्ष ही ये क्या हुआ, बिल ऑफ राइट्स नामक अधिनियम पार्लियामेंट में आता है और इसको कानून का रूप दे दिया जाता है। फिर
राजा नाम मात्र का हो गया और वास्तविक शक्तियां संसद के हाथों आ गईं। तो जो सुंदरता थी, जो खूबी थी ब्रिटिश की, ब्रिटेन की, वो सुंदरता वो खूबी उसके पास फिर से आ गई और लोग एकदम प्रेम से रहने लगते हैं, क्योंकि अब निरंकुश शासन की एंडिंग हो चुकी थी। तो इसी के साथ हम लोग अपनी भी हैप्पी एंडिंग करते हैं। तो आशा करता हूँ ब्रिटिश रिवॉल्यूशन का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आ गया होगा समझ में तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। और अगले वीडियो को पाने के लिए बेल दबा दीजिए। हाँ, अगली वीडियो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार की आएगी, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, तो आगे फिर सेकेंड वर्ल्ड वार, फांसीवाद, नाजीवाद, फासिज्म, नाजीवाद भी अभी है ना, ये सारी सेगमेंट भी कराऊंगा, तो नोट कर लें पूरा।